So hey guys, this is Nikhil and I am here to give you detail about a great means dream college that is DAIICT. Full form iska hai Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology. ठीक है, तो ये कॉलेज गुजरात में है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी कॉलेज है, बहुत ही हाई डिमांड है इसकी। हालांकि बहुत लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन काफ़ी NIT से भी अच्छी कह सकते हैं हम, या फिर काफ़ी IIT से भी अच्छी, ठीक है। प्राइवेट है, जैसा कि नाम से ही पता है, धीरू भाई अम्बानी, हमारे अम्बानी जो काफ़ी अमीर आदमी हैं उनके नाम पे है, जिन्होंने अम्बानी फैमिली को चलाया आगे, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो मैं इस कॉलेज का आपको आज बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितना फ़ी है इसका, और कट ऑफ क्या है इसकी। ठीक है, तो मैं बता दूँ पहले, ये गुजरात में है और इसमें 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और 50% ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें ब्रांचेज हैं हमारे पास, तीन अलग अलग ब्रांचेज हैं, मैं सीट्स भी लिख दिया हूँ। तो फर्स्ट ब्रांच इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नाम से भी आपको लग रहा होगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे नाम में ही। तो मेन ब्रांच इसकी यही है, 95 सीट्स है इसमें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 40-42 सीट्स गुजरात के लिए रिजर्व है और 40-42 हमारे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। मैं कट ऑफ पे भी जाऊंगा आगे। तो गुजरात वाले सीट्स तो शायद बोर्ड के मार्क्स या फिर गुजरात का जो CET होता है, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, उस पे फिल होता है, और बाकी हमारा JEE मेन पे होता है ऑल इंडिया के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। और एक ब्रांच है ऑनर्स इन ICT विथ कंप्यूटेशनल साइंस, ठीक है, इसमें 24 सीट्स हैं। और अगला है हमारे पास तीसरा ब्रांच, मैथ्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसमें 18 सीट्स हैं कुल। तो टोटल सीट्स आप भी देख रहे होंगे कुछ 130 के आसपास, 130-135, जिसमें कि 60-65 सीट्स गुजरात के लिए और बाकी ऑल इंडिया के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा यहाँ पे एडमिशन के लिए, अगर लोग फिल करते हैं फॉर्म तो, ठीक है। मैं आगे और बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं डेडलाइन बता दूं, ये 15 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। आप DAIICT की वेबसाइट पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है, और 1st अक्टूबर 1995 डेट ऑफ बर्थ के लिए रखा गया है डेडलाइन, ठीक है। तो 1995 काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल गया है, ठीक है। लोग जो ड्रॉपर्स होते हैं उनका भी 2001, 2002 या 2000 तक, लेकिन यहाँ पे समझ सकते हैं आप, अभी से 25 साल की एज वाले भी इसमें फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन 25 ईयर वाले शायद JEE मेन नहीं दिए होंगे। खैर, बात करते हैं आगे। और JEE मेन में भी अपियर होना ज़रूरी है। मैं ये जो भी बता रहा हूँ इंडियन ऑल इंडिया बेसिस पे जो भी इसके सीट्स फिल होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। SC ST और गुजरात के लिए तो मैं बता दिया 50% रिजर्वेशन है, और SC ST वालों के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व हैं इसमें, बाकी तो जनरल ऑल इंडिया की मैं बात कर दिया। अब मैं कट ऑफ की बात कर दूँ, तो मुझे 3-4 जगह मैं देखा तो कट ऑफ्स लगभग कुछ लोग जो बता रहे थे सेम ही था जैसे कि पिछले साल का। ये तीनों ब्रांच बेहतरीन है, मतलब इसमें कुछ नहीं है कि इसमें इन्फो IT है या कुछ, तीनों ही आप किसी से भी करते हैं अगर BTech, कहीं भी सीट मिलता है तीनों में, आराम से चले जाइए, कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि तीनों ही बेहतरीन ब्रांच है। प्लेसमेंट एकदम 100% है इस कॉलेज का, प्लेसमेंट 100% है, और एवरेज पैकेज 12 लाख से ही शुरू होता है, मतलब 12 से 13 हर साल वेरी करता है, हाईएस्ट 30-40-50 तक जाता है, 100% प्लेसमेंट है, लोएस्ट भी इसका 8 जाता होगा, 7-8 लाख, ठीक है। तो काफ़ी आप समझ सकते हैं कितना प्रीमियम प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक 15,000 के भी करीब है JEE मेन में, 15,000, तो आप ज़रूर इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि NIT से भी अच्छे, मतलब NIT 3G का जो भी CS होगा या IT होगा उसके टक्कर का है,
इसके तीनों ब्रांचेस, ठीक है। और तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ छूट नहीं रहा। बाकी आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको कुछ इसमें कन्फ्यूज़न होगा या मेरे से कुछ छूट गया होगा मैं भी पिन कर दूंगा कमेंट में। बाकी तो यही है, मैं लिख दिया हूँ, मैं इसका PDF अटैच कर दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इसका था PDF था एक, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और भी आगे कॉलेज के इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।